Assalamualaikum नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। मेरे चैनल को, हमारे चैनल को बल्कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। जनाब, आज हम जिस यानी मेवा कहें, उसको जड़ी बूटी कहें, जिस जड़ी बूटी से मुतल्लिक हम गुफ्तगू करने लगे हैं या जिस मेवे से मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे हैं, जनाब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वो है जनाब बादाम। बादाम जनाब दो किस्म के होते हैं, एक अमेरिकन बादाम कहलाता है, एक कंधारी बादाम कहलाता है। अब चलते हैं इसको किस ज़बान में क्या कहा जाता है तो आपको बताते हैं इसके मुतल्लिक। इसके मुतल्लिक बताने से पहले आपको यहाँ मैं बताता चलूँ, हम आपको ऐसा करिश्माती मशरूब बताने लगे हैं तो आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा। बादाम लफ्ज़ जो है वो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है और इसको फारसी में, जो मैंने आपको कहा कि अमेरिकन बादाम, इसको बादाम शीरी कहा जाता है। बंगाली ज़बान में इसको काठ बादाम कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसको एलमंड कहा जाता है। इसका छिलका जो होता है वो सुर्खी माइल होता है, जबकि इसका मगज़ जो है वो सफ़ेद रंग का होता है। क्योंकि हम पहले अमेरिकन बादाम का तस्करा कर रहे हैं तो इसका जो जायका होता है वो मीठा और शीरी होता है। बाद में हम आपको बताएंगे कंधारी जो है उसका मिजाज क्या होता है और उसका किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो मकामे पैदाइश से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बादाम तल्ख जो है वो मिजाज के हिसाब से और किस ज़बान में इसको क्या कहा जाता है वो बता दूँ आपको। पहले फारसी में इसको बादाम तल्ख कहा जाता है और सिंधी में इसको कोड़ बादाम कहा जाता है, जबकि अंग्रेज़ी में इसको एलमंड बिटर कहा जाता है और जो है ये कंधारी बादाम के नाम से भी मशहूर है। बादाम तल्ख जो होता है वो बादाम शीरी के मुकाबले में साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है और चौड़ा भी होता है। जहाँ तक दोनों के रंग का ताल्लुक है वो दोनों का रंग सेम और मगज़ भी सेम ही होता है, हाँ बस जायके का फ़र्क होता है दोनों में। बादाम शीरी जो होता है वो मीठा होता है और बादाम तल्ख जो होता है वो जायके के हिसाब से थोड़ा सा नागवार होता है। मकाम पैदाइश का जहाँ तक ताल्लुक है तो मकाम पैदाइश इसकी ख़ास तौर पे ईरान और अफगानिस्तान में ये पाया जाता है। अब बादाम के फ़ायदे की तस्करा करें तो कि बादाम के क्या क्या फ़ायदे हैं, जनाब बादाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बादाम आँखों के लिए बहुत अच्छा है, बादाम से जनाब दांत मजबूत होते हैं, बादाम के जो है रोगन से कब्ज़ का इलाज होता है। अगर हामला ख़वातीन बादाम का इस्तेमाल छठे महीने से शुरू कर दें तो बच्चों की पैदाइश में आसानी पैदा हो जाती है। अब चलते हैं इसके तरीके इलाज की तरफ। तो तरीका इलाज जनाब ये करेंगी वो हामला ख़वातीन के 7 मंथ से यानी 7वें महीने से 2 चम्मच इसके रोगन के 1 कप गर्म दूध के अंदर मिलाकर इस्तेमाल करेंगी, तो उससे फिर उनको बच्चा पैदाइश में आसानी पैदा हो जाएगी। तो जनाब आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे करिश्माती मशरूब का, तो मैंने कहा चले इतनी देर ज़्यादा इंतज़ार ना कराया जाए तो आपको बताया जाए वो करिश्माती मशरूब। फिर हम इंशाल्लाह अब आपको आगे बादाम तल्ख के मुतल्लिक बताएंगे कि इसका तरीके इलाज किस तरीके से, किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो जनाब अज़ा नोट फरमा लें, बादाम 10 अदद, खजूर 2 अदद, दूध का गिलास, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, शहद 1 चम्मच, नमक 1 चुटकी, छोटी इलायची का पाउडर 1/4 मतलब क्वार्टर चम्मच आपने लेना है उसका। आपने करना क्या जनाब, आपने करना ये है कि वो जो बादाम है आपने उनको रात में भिगो के रख देना है पानी के अंदर और फिर उसको जो है सुबह छिलका उसका उतार कर दूध के अंदर डाल देना बादाम को। उसके साथ आपने खजूर डालनी है और इसको आपने कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंड करके उसके अंदर फिर आप 1 चम्मच शहद डालेंगे, 1 चुटकी जो ज़ाफ़रान की है वो आप डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और जनाब आपका करिश्माती मशरूब तैयार। आप ये पियेंगे, इससे आपके जिस्म में ताकत आएगी, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। बल्कि जो बच्चे कुरान वगैरह हिफ्ज करते हैं या जो पढ़ाई वगैरह ज़्यादा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है मशरूब। बस उसकी ये है कि उन बच्चों को मिकदार थोड़ी सी कम कर दीजिएगा ताकि जो है उम्र के हिसाब से उनके लिए वो मुफीद हो। जो माएँ परेशान रहती हैं अपने बच्चों की, भाई ये दिमाग इनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके लिए ये मशरूब बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको ये भी बताता चलूँ कि आप बोलेंगे भाई ये आप क्या हम सारे टाइम पीते रहे, नहीं सारे टाइम आपने नहीं पीना, ये आप 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा और 1 हफ्ते में आप अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। अब चलते हैं बादाम तल्ख की तरफ। बादाम तल्ख का इलाज किस चीज़ में मुफीद है, क्योंकि इसका रोगन इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब इसका रोगन किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है
मैं वो आपको बता दूं। जी जनाब, इसका रोवन जो है, औरतें तैयार हो जाएं, औरतें जो है वो झाइयों से बड़ी परेशान होती हैं कि रंग सफेद नहीं होता, उससे परेशान होती है। तो इसका तेल जो है वो चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। इससे आपके चेहरे की झाइयाँ और जो है रंग गोरा करने में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जनाब जो माएँ परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चों के सर में जुएं हो गई हैं, कैसे क्या करें, तो वो इसका तेल इस्तेमाल करें। वो नहाने से पहले जो है इन बच्चों को जो है सर पे लगा दें और तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दें, तो उससे जो है इनकी जुएं सर से ख़त्म हो जाएंगी और फिर इंशाल्लाह ताला वो उससे शावर ले लें और सर धो लें तो उसमें बेहतरी चली जाएगी और जुएं ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं जनाब बादाम के नुकसान की तरफ, क्योंकि हम आपको फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताते चलें, हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मुहैया कर दें, तो इसलिए हम आपको नुकसान भी बता दें कि भाई जिस तरीके से मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि जो है हर चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो मुनासिब नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ एक मकदार के साथ इस्तेमाल की जाए तो वो मुनासिब होती है। जना बादाम का तेल जो है वो मीठा वाला जो शीरी है वो अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो पेचिस जो है वो लगा देता है, क्योंकि कब्ज़ तोड़ता है, तो ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, एक मुनासिब मकदार में और वक्फ़े से इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है ये पेचिस ना लगाएं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूं जनाब, ख़वातीन जो कहती हैं हमारा वज़न जल्दी बढ़ जाता है, तो वो ये जो है ध्यान में रखें कि इसके अंदर 163 ग्राम के करीब कैलोरीज होती हैं जो वज़न बढ़ाती हैं, तो वो जो है जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है या जल्दी बढ़ जाता है वो इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी विटामिन ई जो है वो इंसान के अंदर जो ज़रूरत होती है रोज़ाना की बुनियाद पर वो 15 ग्राम की होती है, तो बादाम अगर आप रोज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है, तो इससे ये होगा कि आपका पेट फूलना शुरू हो जाएगा, आपके सर में दर्द आना शुरू हो जाएगा और आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा मकदार इस्तेमाल करेंगे तो इसकी, तो इसलिए आप एक मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि जी मेरी एक सना मक्की वाली वीडियो है और उसके खुदूस जो दिमाग से ही रिलेट वीडियो है, इन पे क्लिक ज़रूर करिएगा और इनको देखना मत भूलिएगा, आपको इसमें फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हर प्लेट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।